उनको नमस्कार करना चाहूँगा, और जो लोग वैसे हैं बुजुर्ग उनका चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है, तबीयत मेरी खराब है, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। मेरे भीतर एक जिज्ञासा है कि मरते मरते भी मैं फ्लोटिंग कॉइन को न छोड़ूं। मेरी हालत बहुत खराब है, थोड़ी सी नहीं बहुत खराब है। अभी एक दो दिन से कुछ बैठ पा रहा हूँ, इसलिए मैं भी बोलने के, लेकिन और लोगों को मैं ये अपने तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा कि वो हिम्मत नहीं हारें, अपने हौसला को बुलंद रखें, साहस को बढ़ाए रखें, तो कोई वजह नहीं है कि वो अपने रास्ते में सफल नहीं होंगे। और मेरा भी यही प्रयास है कि मैं साहस जज्बा के साथ, अगर बैठने लायक हूँ तो बैठ कर, अगर सोने लायक हूँ तो सो कर, इस मीटिंग जो यहाँ मीटिंग एक ऐसा है, ये ट्रेनिंग, यहाँ से शिक्षा मिलता है, यहाँ से रास्ता खुलता है विकास का। अगर हम बैठक में, मीटिंग में, सम्मेलन में नहीं जाएंगे तो हमारे फ्यूचर का जो लीडरशिप है वो जागेगा नहीं, सोए हुई भावना जो है वो जागेगी नहीं। इसलिए हमें आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप निश्चित रूप से सब काम छोड़ छाड़ कर, मैंने कि आप कीजिए, लेकिन सब काम छोड़ छाड़ करके इस मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रमोशन मिलता है, यहाँ से जो खुराक ब्रेन को मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है। हम इन्हीं बातों के साथ, चूंकि कहने की स्थिति में नहीं है ज्यादा, बोलने की तो बहुत इच्छा है लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्लैटिनम। यस सर।